नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्लांट गेन पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वो है ग्रीन एप्पल के बारे में। राजस्थान में ग्रीन एप्पल काफ़ी अच्छी तरीके से उगता है क्योंकि ये गर्म टेम्परेचर को भी सहन कर लेता है। ये 45 से 50 डिग्री तक के टेम्परेचर को सहन कर लेता है और आप यहाँ देख सकते हैं मैं राजस्थान जयपुर में हूँ और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहा है। ये देखिए नए शूट्स कितने अच्छे आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी बात करेंगे, कैसे इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करनी चाहिए, किस टाइप के गमले इसके लिए यूज़ करने चाहिए, कैसी मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, कौन से कंपोस्ट हमें देने चाहिए, किस टाइप का पौधा लेना चाहिए। ये एक एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है। ये दो तरीके से आते हैं, एयर लेयरिंग से और ग्राफ्टेड तरीके से। इसको कितना समय लगता है फल देने में? दोस्तों ये मिट्टी का मिश्रण है, मिट्टी का मिश्रण मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिया है इसमें 50% नॉर्मल हमारी गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट जो आप देख पा रहे हैं, और कंपोस्ट 30% कंपोस्ट। फ्रूट प्लांट है तो फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब मैं इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लूँगा। इसके अंदर मैं मिलाऊँगा दो मुट्ठी नीम खली और दो मुट्ठी बॉर्न मिल। इसको मिक्स करते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और बाकी मैंने क्या किया है कि जो गार्डन के पत्ते होते हैं और जो फल ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, उन्हें मैं इसमें यूज़ कर लूँगा बेसिकली। ये देखिए स्ट्रॉबेरी वगैरह पत्ते वगैरह मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों इसको मैं पॉट कर रहा हूँ, ये देखिए अच्छा खासा लंबा पेड़ है। पॉटिंग में मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो ये नीचे का एरिया होता है, इसमें ये जड़ें हैं, इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, थोड़ा सा बस सुलझा ले। अगर आपको लग रहा है कि ये बाउंड हो रही है तो इसको सुलझा ले, जैसे मैंने सुलझाया अभी, ये देखिए। और फिर ये ताकि जल्दी से फैल जाए, रूट बॉल के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं है, काफ़ी डेलिकेट प्लांट होता ही है। हाँ मैं इसको रख दूँगा, बस ध्यान रखें सेंटर में हो और सीधा हो प्लांट जिस दिशा में आपको इसको बढ़ाना है। तो इसको हमने प्लांट कर दिया है, ये अराउंड कुछ 6 फीट का प्लांट है ग्रीन एप्पल का। इसको ज़्यादा गहराई में मैंने लगाया नहीं, जितना ये देखिए नर्सरी से आया था उतना ही मैंने कवर किया है। ये एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है। ध्यान रखें अगर ग्राफ्टेड से तैयार पौधा हो तो ग्राफ्टेड एरिया को हमें दबाना नहीं है। मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये ग्राफ्टेड पौधा है, ये यहाँ से ग्राफ्ट है, ये देखिए यहाँ से ग्राफ्ट जा रही है इसकी अलग से, तो मैंने इसलिए इसको नीचे से करा है क्योंकि ये ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड एरिया दबाना नहीं होता वरना वो फंगस में आ जाता है, फिर वो ख़राब हो जाता है या फिर देसी हो जाता है वापस से, को उसका सेंस नहीं होता इस वजह से। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, इसमें पानी देना है। पानी हमें पहली बार बहुत अच्छा सा देना है कि नीचे से रिस जाए, नीचे वाले जो ये होल हैं इनमें से रिस जाए। बात करें अगर इसके गमले की, तो ये एक 24x24 का ग्रो बैग है जिसमें मैंने इसको उगाया है। फ्रूट प्लांट है तो जड़ें काफ़ी घेरेगा, मैं पहले बता देता हूँ। बाल्टी वगैरह में जो आपको शो किए जाते हैं आप मत करिए, मत उगाइए। अच्छे रिज़ल्ट के लिए अगर आप इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो फिर ग्रो बैग पे भी कर लीजिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 3 से 4 साल ये कहीं नहीं जाते। बकेट वगैरह फिर भी पिघल के टूट जाती है धूप में, ये लोग धूप में कहीं नहीं जाते। मैं आपको दिखा दूँ अपने काफ़ी ग्रो बैग लगे हुए हैं, ये देखिए काफ़ी सारे ग्रो बैग लगे हुए हैं अपने गार्डनिंग में। मैंने काफ़ी प्लांट लगाए हैं इस बार ग्रो बैग में, ये देखिए 24x24 का, 18x18 का, ये ऐसे काफ़ी सारे ग्रो बैग हैं, ये देखिए। आपको इसके लिए ग्रो बैग लेना है वो मिनिमम आपको लेना है 18x18 का, और 24x24 में आप लगाएं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि फ्रूट प्लांट है, जड़ें काफ़ी फैलाएगा ये खुद की। तो दोस्तों अगर आप बात करें इसके मिट्टी की, तो इसको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, इसलिए हमने कोकोपीट मिलाया था। कोकोपीट की वजह से मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है, इसे मॉइस्चर पसंद होता है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली मिट्टी इसे पसंद नहीं होती, इसलिए हम इसे क्ले मिट्टी में नहीं उगाते क्योंकि वो पानी को रोकती है, और जो हमने मिश्रण बनाया मिट्टी का वो पानी को नहीं रोकती लेकिन नमी बनाए रखती है कोकोपीट की वजह से। और दोस्तों अगर आप बात करें इसके मौसम के बारे में, तो फरवरी मार्च का मौसम इसे लगाने के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मौसम आता है वो आता है हमारा बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में आप इसे लगाएं, आपको बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट बात जो हमें ध्यान रखनी है कि मैं इसमें 3 से 4 महीने तक कोई भी कंपोस्ट नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 30% कंपोस्ट है जो इसके ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है। 3 से 4 महीने तक इसे किसी भी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप भी ना मिलाएं, वरना ओवरडोज़ की वजह से भी, कंपोस्ट के ओवरडोज़ की वजह से भी कई बार पौधे मर जाया करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसे कितने देर की धूप की ज़रूरत है। तो ये
फ्रूट प्लांट है तो इसको फुल डे सनलाइट की ज़रूरत होगी, 6 से 8 घंटे की सनलाइट की इसको रिक्वायरमेंट होती है, तो इसे आप फुल डे सनलाइट में रखें। ध्यान रखें ये फ्रूट प्लांट है तो फुल डे सनलाइट ये लेगा। तो दोस्तों जो 3 से 4 महीने बाद आप इसमें कंपोस्ट डालेंगे उसका मिश्रण हमें कैसे डालना है, उसमें आप लीजिए 2 मुट्ठी अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसमें मिलाइए आप 1 मुट्ठी नीम की खली, 1 मुट्ठी बोन मील पाउडर और 2 टेबल स्पून आप मिलाएंगे सरसों की खली, और इन तीनों को मिला के अच्छी तरीके से मिला के महीने में एक बार हमें डालना है अच्छी से गुड़ाई करके, फिर हमें डाल के छोड़ देना है। याद रखें दोस्तों 2 से 3 महीने बाद जब आप डालें तब यही मिश्रण डालें। मिश्रण अलग अलग न्यूट्रिशंस को पेड़ को प्रोवाइड करेगा जो इसको ज़रूरत होती है, और महीने में एक बार आप इसमें बायोजाइम का यूज़ करें जो माइक्रो न्यूट्रिशंस देगा, या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, कीप गार्डनिंग।